क्योंकि अब संसद सियासी अखाड़ा बन गया है। प्रभाकर मिश्रा इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सवाल मेरा यह है कि विपक्ष बजट सेशन के फर्स्ट हाफ में सरकार को घेरता रहा, सवाल पूछता रहा और प्रधानमंत्री दो दिन आते हैं दोनों सदनों में और जवाब देकर चले जाते हैं अपने अंदाज में, अपना एजेंडा सेट करके चले जाते हैं 24 के लिए। लेकिन सवाल वही है कि ये समय तो जनता का था, सियासी अखाड़ा नहीं है, राजनीतिक पार्टियों को सियासी चमकाने की वो जगह नहीं थी, लेकिन हर बार ऐसा ही हो रहा है। विपनेश, जो संजीव जी बात कर रहे थे कि तब जब विपक्ष में बीजेपी थी, बीजेपी ने कहा कि सरकार सदन चलाने की जिम्मेवारी सरकार की होती है, तो मतलब ये कि कहीं ना कहीं चूक तो हो रही है। अब बात रही कि विपक्ष ऑपोजिशन के नेता अगर कुछ कहते हैं सदन के बाहर कहते हैं तो उनकी बातें जनता तक नहीं जाती हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर उन्हें अपनी बात कहनी है, अपनी बात आवाज़ पहुँचानी है, अपने शोरगुल पहुँचाने हैं, मुद्दों को पहुँचाने हैं, तो इसलिए ये सारा शोर शराबा हो रहा है। रही बात एक चीज़ कि तीन मुद्दे हैं अभी हाल में, हिंडनबर्ग को किसी भी सूरत में कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहती, शुरुआत वहीं से होती है, और बाकी महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा जो आम आदमी से जुड़ा हुआ मसला है विपनेश। और अभी हमारे जो प्रोड्यूसर हैं भास्कर ओझा ने मुझे एक डेटा भेजा कि करीब एक दिन के सदन की कार्रवाई में नहीं होने पर 10.5 करोड़ का नुकसान होता है, ये मॉनेटरी नुकसान है। लेकिन जरा सोच के देखिए कि पार्लियामेंट का काम है, विधायी काम है, उसका काम है कानून बनाना, और इस देश में जहां पर जल्दी जल्दी में जब कानून बनते हैं, इस पर कई बार सवाल खड़ा कर दिया गया कि बिना चर्चा के, बिना विचार किए हुए, बिना गंभीरता दिखाए हुए जब कोई कानून बनता है और कानून पास होता है, उसके बाद से उसका लिटिगेशन शुरू होता है और मामला अदालतों में जाती है, और उसके बाद से आपने देखा कि किस तरह से उस पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन में भी दिक्कत होती है और लिटिगेशन का बोझ बढ़ता है, वो अलग बात होती है। तो जब सदन में काम होगा ही नहीं, सदन में चर्चा होगी ही नहीं, सदन में विधायी काम होगा ही नहीं, तो उसके बाद जब कानून बनेगा तो उसका हश्र वही होगा जिस पर समय समय पर अदालतें भी सवाल खड़ा करती रही हैं। तो ये बात निश्चित तौर पर जब लोग सदन की कार्रवाई देखते हैं तो जिन लोगों ने ये सोच रखा होगा कि हमारे यहाँ का सांसद जो गया था उसे हमने एक जिम्मेवारी दी थी कि हमारे यहाँ का पुल नहीं बना है, वो पुल के लिए वहाँ पर बात करेगा, हमारे यहाँ एजुकेशन के लिए कॉलेज की जरूरत है वहाँ जाकर कॉलेज की मांग करेगा, हमारे यहाँ हवाई अड्डा की जरूरत है वो वहाँ जाकर हवाई अड्डे की बात करेगा, जब सदन में चर्चा होगी, और वहाँ तो पता चला कि सदन के भीतर ही इस तरह की नूरा कुश्ती चल रही है कि जनता के मुद्दे पर कोई बात करना ही नहीं चाहता और कर भी नहीं रहा है। दूसरी बात रह गई विशेषाधिकार हनन की बात। मुझे जहां तक बात समझ में आती है, आम आदमी के लिए अगर मैं कहूं कि सांसदों को जो विशेषाधिकार का अधिकार जो मिला वो इसलिए मिला कि ताकि वो बेहतर काम कर सके, सदन की कार्रवाई में कोई बाधा नहीं आए, सांसद को बोलने की आजादी हो, इसके लिए नहीं कि सदन में जो कोई कुछ कह दिया और उसके खिलाफ कार्रवाई हो। एक बड़ा बहुत ही निगेटिव नकारात्मक तरह का संदेश जा रहा है, क्योंकि देश की अदालत एक बार नहीं कई बार कह चुकी कि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे प्राइम और ऑटमोस्ट सेंक्टिटी वाला अधिकार है, और आपने तभी देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट जब एक हाई कोर्ट में एक जज की नियुक्ति हुई और उस जज के बयान पर टिप्पणी हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक आदमी को, भले ही टिप्पणी किसी तरह की हो, प्रत्येक आदमी को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। ऐसे में जो संसद कानून बनाती है, जो संसद संवैधानिक मसलों पे बात करती है, अगर वहीं पर विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कर्ब लगता है, वहीं पर उससे पाबंदी लगती है, इसी के लिए विशेषाधिकार हनन का नोटिस होता है, तो मतलब बात वहीं फिर के आती है कि सदन की कार्रवाई चलाने की जिम्मेवारी, सदन को सुचारू ढंग से चलाने की जिम्मेवारी सरकार की है, और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। विपनेश, यहां जो मुझे बात दिख रही है कि जितनी जिम्मेवारी सरकार की है उतनी विपक्ष की है, विपक्ष शोर शराबा करेगा ही करेगा, क्योंकि विपक्ष को अपनी आवाज पहुंचानी है, सरकार तक अपनी अपनी नाराजगी पहुंचानी है, लोगों की नाराजगी पहुंचानी है, लेकिन सदन की चलाने की जिम्मेवारी अल्टीमेटली सरकार की है, और यहां पर मुझे सरकार विफल होती हुई दिख रही है। विपनेश नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।